हेलो फ्रेंड्स, आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग वीडियो लेके। आज आया हूँ दिहिंगपटका नेशनल पार्क। तो आप लोग देख पा ही रहे, ये है बोर्ड, ये भी एक बोर्ड है और यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोग को। तो आज तो जाना नहीं होगा क्योंकि हम लोगों के पास परमिशन है नहीं, यहाँ पे जाने के लिए परमिशन लिया जाता है। तो हम लोग ऐसे ही इस रास्ते से होके कुछ दूर जाएंगे और आप लोगों को जितना हो सके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। तो यही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिहिंगपटका नेशनल पार्क में एंट्री करने के लिए परमिशन लेके जाना पड़ता है। परमिशन तो लिया नहीं था तो वहाँ पे नहीं गए, तो ये रास्ते पे ही आया हूँ ऐसे ही देखने। इस साइड से थोड़ा व्यू मिलता है दिहिंगपटका नेशनल पार्क का, आप लोग देख पा ही रहे हैं ये सारा है। तो ये एक नेशनल पार्क है, तो बाहर से ही आप लोगों को दिखाता हूँ जितना हो सके। तो आप लोग बोलिएगा कैसा लगा देख के। सो फ्रेंड्स, ये जो दिहिंगपटका नेशनल पार्क है, इसे 13 जून 2004 को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, 13 दिसंबर 2020 को इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर मतलब इसे अपग्रेड किया गया। और फ्रेंड्स, 9 जून 2021 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम ने इसे नेशनल पार्क नाम से ऑफिशियली डिक्लेयर किया था। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। कुछ पूछना और बोलना हो तो कमेंट कर देना। और मेरे चैनल आसिफ क्रेसी ब्लॉग्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इन फ्यूचर ब्लॉग वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।